हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, हेल्दी एंड वेल्दी होंगे। तो जी, मैं भी बढ़िया हूँ। चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का व्लॉग। तो पहले आज मंदिर से शुरुआत करते हैं, क्योंकि आज की जो पूजा पाठ थी वो मेरे को ही करनी थी। तो अभी सुबह के 7:30 बजे का टाइम हो रहा है, तो मैंने कहा पहले थोड़ा सा नहा धो लेती हूँ, तो उसके बाद बाकी का काम हम करेंगे। तो जी, और आज मैं जा आई हूँ, मतलब कहीं, मतलब जो भी मुझे जाना था बाहर, तो वहाँ पे मैं जाके आ चुकी हूँ। और तो जी, रक्षित यहाँ पे थोड़ी सी मस्ती कर रहा है, क्योंकि वो भी उठ चुका था। तो आजकल ना मैंने क्या, मतलब शुरू के सुबह के टाइम पे थोड़ा सा घूमना शुरू किया है, तो बस वही था कि मैं जाके आ चुकी हूँ। तो ज़्यादा कहीं नहीं जाते हैं, बस माता मंदिर तक थोड़े बहुत राउंड जैसे सुबह सुबह लगा देते हैं, तो काफ़ी सही रहता है। तो और थोड़ा सा मन भी अपना वो खुश हो जाता है, और फिर ना काम करने में भी थोड़ा सा मन लगता है, वरना है ना सर्दियों में बिस्तर में से निकलने का भी मन नहीं करता है। तो बस वही था। रक्षित कह रहा है मैंने यहाँ पे संतरा रखा है लड्डू गोपाल के सामने, तो ये कह रहा है मुझे खाना है, मुझे खाना है। तो मैंने पहले लड्डू को खिला के फिर उसको दे दिया है। और वैसे ये ठंडा नहीं है, मैं इसको फ्रिज में से काफ़ी देर से निकाला हुआ है, तो नॉर्मल टेम्परेचर पे था ये। तो रक्षित खा लेगा तो ठीक है, और सुबह के टाइम पे ज़्यादा कुछ मतलब नुकसान भी नहीं करते हैं बच्चों के। तो जी, यहाँ पे मेरी पूजा पाठ हो चुकी है, फिर उसके बाद करते हैं हम अपना बाकी का काम। तो यहाँ पे मैंने जल वल चढ़ा दिया है, तो रक्षित का लुक कुछ ऐसा था आज, मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा था ये। और तो कल हम गए थे अपनी बुआ जी के घर पे, तो उन्होंने जो मतलब देना था सूट वूट, जो कि भाई मतलब देते हैं लड़की को, तो वो दे दिए थे। और इसमें मेरी मम्मी ने भी सूट ऐड किए हैं, और जो मेरी जो बुआ आई थी वो भी मेरे लिए लेके आई थी, तो वो सब इसमें ऐड हैं। तो जो जिनके शादी थी उन्होंने 3 सूट और 1 पैंट शर्ट और 1 रक्षित की पैंट शर्ट ये दिए थे, और 1 सूट 1 पैंट शर्ट मेरी बुआ लेके आई थी, 1 सूट 1 पैंट शर्ट और दूसरे वाले बुआ लाई थी। तो यहाँ पे 2 सूट मम्मी जी ने दिए हैं, यानी कि कुल मिला के काफ़ी कुछ आ गया है मेरे पास, काफ़ी अच्छे अच्छे सूट हैं। यानी कि यह है कि काफ़ी 1-2 सीजन तो निकल ही जाएगा। तो ये रेड वाला मम्मी ने दिया है, ये वाला भी मम्मी ने दिया है ग्रे कलर का, तो ये मैं माँ जी के लिए भिजवा दूंगी, काफ़ी अच्छा लगेगा उनको और अच्छा भी लगेगा, और क्या कहते हैं ना, मतलब गर्म है ये। और ये दिया है बुआ जी ने, तो ये काफ़ी अच्छा है, इसको मैं सिलूंगी अपने लिए, मतलब इसका अलग ही कपड़ा है, काफ़ी अच्छा है पहनने लायक। और इसकी सलवार भी काफ़ी अच्छी है, लिनन वाले कपड़े में है, जो कि आजकल चला हुआ है, और उसी के ही कपड़े ज़्यादातर पसंद आते, या तो बिल्कुल कॉटन हो या फिर जैसे बिल्कुल ही वो हो। तो ये भी सूट अच्छा है, ये भी बुआ जी ने दिए हैं, ये 3 बुआ जी ने दिए हैं, और ये 2 मम्मी के हैं ऊपर वाले, और ये 2 नीचे वाले जो हैं वो बुआ जी लाई थी। तो काफ़ी अच्छे हैं, ठीक ठाक हो गया है, यानी कि ये है कि भाई सब सूट पहनने लायक है, कोई ऐसा नहीं है कि भाई जो लेने देने में दिया जाए। तो बस यही था। और रक्षित यहाँ पे लेटा हुआ है, और जो मैंने कल कपड़े धो लिए थे वो भी मैं उतार लाई थी यहाँ पे। फिर उसके बाद मैं इनकी तय बना देती हूँ थोड़ी थोड़ी, मतलब जो तय करने लायक है वो तय कर दूंगी, और जो मतलब प्रेस वाले हैं उनको मैं प्रेस के लिए अलग साइड में कर दूंगी। तो सूट वगैरह मैंने अपने फिलहाल साइड में रख दिया है, क्योंकि अलमारी में मैं रखने वाली हूँ नहीं, तो और इनको मैं रखूंगी बेड में। तो काफ़ी और भी कपड़े हैं जो मुझे बेड में रखने हैं, क्योंकि अलमारी में इतनी जगह नहीं रहती है। तो और अभी फ़िलहाल बेड में जगह है, क्योंकि कंबल वगैरह निकल चुके हैं, 2-3 तो जगह बनी हुई है। और यहाँ पे मैंने मैगी बिस्किट रख दिया है, क्योंकि रक्षित को मतलब बिस्किट वो ज़्यादा खाता है, और कभी कभी मैगी भी मांग लेता है, तो ये रहता है कि तुरंत इस दुकान पर जाओ तो थोड़ा ठीक नहीं लगता है, मैंने इसलिए घर पर ही ला के रख दिया है। तो जी, अभी शाम का टाइम हो चुका है, यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ कटहल की सब्जी। तो रक्षित के पापा मतलब शाम को हल्का खाना खाते हैं, तो इसीलिए मैंने कहा अब मैं शाम को अपनी पसंद की बना सकती हूँ, क्योंकि ये रहता है कि आदमी को जब 1-2 रोटी खानी है तो वो कैसे भी मतलब किसी भी चीज़ के साथ खा लेगा। और सुबह की जो मैंने चटनी बनाई थी कचरी की, वो भी रखी हुई थी, मतलब कल वाली जो थी फ्रिज में रखी हुई थी, बस वही था। तो मैंने कहा उसका थोड़ा हिस्सा यूज़ हो जाएगा यहाँ पे, और मैं अपना कटहल की तैयारी कर रही हूँ यहाँ पे। तो कटहल को डीप हल्का हल्का फ्राई कर रही हूँ मैं, ज़्यादा डीपली फ्राई नहीं करूँगी। और हुआ क्या यहाँ पे कि मैंने फ्रिज में पानी में डाल के कटहल रखा हुआ था, तो उस वजह से ना उसमें पानी घुस गया था, और वो चट 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 बोल रहा था तेल में। तो मैंने उसको पहले पानी में से निकाल के छलने में डाल के रख दिया था, तब भी उसके अंदर का पानी इतना नहीं निकला था। तो बस यही था, फिर मैंने उसको थोड़ा दूर करके वो किया, जब तक मैं अपने प्याज टमाटर का पेस्ट बना लूंगी। तो यहाँ पे मैं टमाटर का बना चुकी हूँ, मैंने प्याज का बना दिया है। तो यहाँ पे रक्षित आ गया था, कह रहा है मुझे चलाना है, मुझे चलाना है। तो मैं जब तक अपना काम करके फ्री हो चुकी थी। तो बस यही, अब मेरा ये जो कटहल है ये भी फ्राई हो चुका है, इसको मैं बाहर निकाल देती हूँ और फिर इसकी बनाऊंगी सब्जी। तो रक्षित यहाँ पे ट्राई कर रहा है इसको चलाने के लिए, तो उससे चल नहीं रही है, थोड़ा सा यहाँ पे परेशान कर रहा है।
तो यहाँ पे मैं इसको हल्का सा पोंछ के फिर इसको अच्छे से रख दूंगी, क्योंकि ना फिर ऐसे करने से ज़्यादा गंदा नहीं दिखता है और बिल्कुल नई नई लगती है। कुछ भी हो जाए अपनी चीज़ तो उसको ऐसे झाड़ पोंछ के ही हमें रखना चाहिए। तो जी हो चुका है, इसको मैंने रख दिया है। और लहसुन की कलियाँ मैं कुछ ज़्यादा ले आई थी तो मैं वापस रख के आई हूँ 2-3, और बाकी का मैं अभी लगा रही हूँ तड़का। तो उसी तेल में जिसमें मैंने कटहल फ्राई किए थे उसी में ही मैंने जीरा और हींग डाल दिए हैं, बाकी के मसाले अपने ऐड कर लूँगी और तो जल्दी जल्दी बन जाएगी। और थोड़ा सा तेज़पत्ता भी ऐड करूँगी क्योंकि काफ़ी अच्छा लगता है कटहल की सब्ज़ी में। और ज़्यादा कुछ मसाले मैंने इसमें डाले नहीं है, सिंपल है बिल्कुल। मतलब प्याज टमाटर का पेस्ट मैंने बना लिया है और तो बस थोड़ा सा हल्का सा तड़का लगेगा। तो प्याज मैंने दरदरा ही रखा है, ज़्यादा महीन नहीं पिसा है तो फिर दरदरा दरदरा अच्छा लगेगा। और टमाटर मैंने बिल्कुल महीन पीस रखा है और उसी में ही मैंने मिर्ची भी डाल दी थी टमाटर में ही। काफ़ी बार क्या होता है मैं भूल जाती हूँ, पर इस बार मेरे को याद रहा। तो जी बन रही है धीरे धीरे सब्जी। और चैनल पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा धनिया भी काट लूँगी अपना अलग से, जो कि मैं डालूँगी बाद में। अगर आप चाहें तो साथ में भी डाल सकते हैं, पर यह है कि थोड़ा सा अच्छा लगता है, जैसे भी आपकी इच्छा हो, अपना अपना टेस्ट होता है। अगर आप पहले प्याज टमाटर के साथ धनिया डालते हैं तो उसका अलग टेस्ट आता है, और अगर आप बाद में डालते हैं तो उसका अलग फ्लेवर आता है। तो यही रहता है। और इसमें मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर दूंगी यहाँ पे, और यहाँ पे मेरा नमक भी थोड़ा ख़त्म होने वाला है। तो यही सोच रही थी कि आज वीरवार है, आज तो लेके नहीं आऊँगी, बाकी बाद में देखते हैं। और तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा लिक्विड शेप में ही ज़्यादा अच्छा लगेगा ये कटहल। ज़्यादा लिक्विड भी नहीं बनाऊंगी क्योंकि फिर सब्ज़ी ज़्यादा हो जाएगी तो रक्षित के पापा खाने वाले हैं नहीं, तो मैंने अभी इसमें ऐड कर दिया है और उसके बाद मैं इसमें कटहल ऐड कर दूंगी तो काफ़ी सही रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने कटहल को ज़्यादा फ्राई नहीं किया है, बिल्कुल हल्का हल्का फ्राई किया, बाकी वो इसमें पक जाएगा। और आजकल मैं सारी सब्ज़ी अपनी जो है खुली ही बना रही हूँ, मतलब वैसे नहीं बना रही हूँ। तो मैं इसी प्रकार से बनाती हूँ कटहल की सब्ज़ी, आप लोग देखिएगा, आप लोग बताइएगा कि आप लोग किस तरीके से बनाते हैं कटहल की सब्ज़ी। तो और ज़्यादा कुछ सब्ज़ी थी भी नहीं घर में, तो बस मैंने वही बना लिया था। तो हेलो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हो चुकी है सुबह, यानी कि नेक्स्ट मॉर्निंग। अभी दिन है शनिवार, शुक्रवार का, सॉरी शनिवार बोल रही हूँ, शुक्रवार का दिन है, सुबह की मॉर्निंग हो चुकी है। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ चाय। तो चाय में मैं अभी, मेरे घर पे अदरक नहीं थी तो मैंने लौंग इलायची रखी हुई थी, उसी को कूट लिया है गिलास में, और तो इसको मैं इसमें डाल दूंगी चाय में। इसका भी एक अलग ही फ्लेवर आता है, बहुत ही अच्छी चाय बनती है इसमें। अगर आप सोप ऐड कर सकते हैं तो वो भी काफ़ी अच्छी रहती है, पर शायद मेरे पास सोप नहीं है अभी फ़िलहाल, मैंने सारी अचार में डाल दी थी। तो बस ये था कि चाय अपनी बन गई है और रक्षित के पापा भी पियेंगे आज चाय, बोल रहे हैं। उनका थोड़ा सा यहाँ पे ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है उनको यहाँ पे, मतलब उनको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, बाकी देखते हैं क्या रहता है। तो उनके कंधे पे थोड़ी सी चोट लग गई है, बाकी देखो अभी जाएंगे दिन में तब पता चलेगा कि क्या हुआ है। तो उनकी भी चाय लग गई है और मेरी भी हो गई है। रक्षित को मैंने दूध पिला लिया था, तो जो चाय वगैरह मेरी हो गई है यहाँ पे, उसके बाद मैं अपना कर रही हूँ काम। तो यहाँ पे रक्षित के पापा से मेरी बातें चल रही हैं, वो बैठे हुए हैं साइड में, और रक्षित भी है। और रक्षित को आज भी स्कूल जाना है, कल उसका ऑफ है, शनिवार को उसका ऑफ है और संडे भी उसका ऑफ रहता है। तो बस यही कपड़े लगा रही हूँ, और कपड़े मेरे इतने हो गए थे फ्रेंड्स, मेरे को पूरा 1.5 घंटा लगा है प्रेस करने में इनको, और मैंने घर पे ही की है, बाहर नहीं करवाई है, खुद ही की है, क्योंकि मैं प्रेस मम्मी से ले आई थी अपनी, और तो मेरी थोड़ी प्रेस में प्रॉब्लम चल गई। तो ये था कि उनकी नई प्रेस है तो उससे सही हो जाएगा, तो मैं उसी से ही प्रेस कर ली थी। और यहाँ पे रक्षित के कोट पैंट जो थे, मैं उनकी शर्ट ढूंढ रही हूँ, क्योंकि ना वो ये है कि इसका सेट बना के मैं रख दूंगी तो बाद में मेरे को जब भी पहनाना होगा ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जी यही था मेरा कि आज का व्लॉग यही है कि भाई कैसे एक लेडीज 10 कामों को एक साथ लेके चल सकती है, कैसे वो अपने घर के काम है जो उनको हैंडल कर सकती है। देखिए मैंने चाय बनाई, चाय बनाने के बाद मैं अब कपड़े लगा रही हूँ, उसके बाद जो मेरा बेड का रूटीन रहेगा, यानी कि जो बेड मेरा फैला हुआ है उसको समेट दूंगी, तो काफ़ी कुछ मतलब उबड़ खाबड़ हो जाता है। तो साथ में रक्षित को भी हैंडल करना होता है, मुझे मशीन भी लगानी है और सुबह का खाना भी बनाना है। तो ये सब देखिएगा आप लोग व्लॉग में, कंटिन्यू रखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो जी बस यही। और यहाँ पे ना ये जो मेरी जीन्स की पैंट थी, मेरे पास कम से कम समथिंग 4 से 5 जीन्स होंगी मेरे पास, तो उसका ये था कि
तो जी इन जींसों को मैं उठा के बेड में रखूंगी। और भी काफ़ी एक्स्ट्रा कपड़े थे जैसे कि जो रक्षित के थे वो भी मैं बेड में रखने वाली हूँ। तो ये दो तीन प्रकार के हो गए थे मतलब कि जो मुझे रखने थे बेड में, तो उनको मैं पन्नी में डाल के रख दिया है क्योंकि पहले से पहले मैं कर लूँगी अपने कंबलों की तय और उसके बाद फिर अपने जो बेड के कपड़े हैं मतलब जो मैंने रखने हैं सूट वगैरह वो सब रख दूंगी। तो लगी हुई हूँ फिलहाल अपने कामों में, 10 कामों के हाथ लगता है सुबह सुबह का, यही रूटीन रहता है हर हाउस वाइफ का मेरे हिसाब से, यही शेड्यूल रहता होगा। तो जी रक्षित की मस्ती चल रही है अभी, इसके स्कूल का टाइम नहीं हो रहा है तो इसने बोला मम्मी मुझे ओगी देखना है ओगी देखना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये परेशान कर रहा था, फिर मैंने चला के दे दिया। और इस जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि रक्षित के पापा के थोड़ी सी यहाँ पे तबीयत खराब हो रही है, मतलब भाई एक्सीडेंट जैसा कुछ हो गया है, तो बस वही मैं प्रॉपर तरीके से आप लोगों से डिस्कस नहीं कर सकती हूँ उस चीज़ के बारे में। तो जी बस उनको ये उनसे थोड़ा इसको दूर रखना है, तो सुबह सुबह मैंने इसीलिए टीवी चला दिया। बाकी आप लोग बोलोगे कि भाई सुबह सुबह बच्चों को नहीं टीवी दिखाना चाहिए, ये चीज मुझे भी पता है, मैं भी जानती हूँ कि भाई बच्चों को सुबह सुबह टीवी नहीं दिखाना चाहिए, पर क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा लेके चलना पड़ता है, अपना हिसाब किताब देखना पड़ता है। तो जी इसीलिए थोड़ा सा शेड्यूल मतलब इस हिसाब से हो गया है। और अभी सुबह का टाइम हो रहा है यही लगभग 8 बजने वाले हैं, तो उससे पहले मैं इसीलिए अपने जल्दी जल्दी काम निपटा लेती हूँ क्योंकि काफ़ी काम हो जाते हैं एक हाउस वाइफ को। और ये मैं इधर ही मेरे को थोड़ी सी जगह खाली लग रही थी, बाकी तो देखिए आप लोग बेड भरा हुआ है, तो बस यही था, थोड़ा थोड़ा ऐसे ही एडजस्ट कर दूंगी। और तो ये मेरा थोड़ा सा एक गाउन भी है उसको भी मैं रख दूंगी, और पैंट शर्ट थी इनको भी रखा है, और साथ के साथ जो मेरे थैले हैं वो भी मैं रख दूंगी क्योंकि ये कभी कभी पहने जाते हैं, वैसे तो रेगुलर पहने नहीं जाते हैं, फिर बाहर भीड़ ही लगती है इन चीज़ों से, तो इसलिए मैंने इनको बेड में रख दिया। अब यहाँ पे रक्षित आ गया है और मुझसे है ना अब ये संभाला नहीं जा रहा था, एक तो बेड वैसे ही हैवी है ज़्यादा, तो ये था कि भाई तो रक्षित और ऊपर से वो हो गया, तो मैं सोच रही थी कि भाई पता नहीं क्यों फिसल रहा है, तो फिर बाद में देखा मैंने कि भाई रक्षित ऊपर चढ़ा हुआ था इसीलिए ये मेरे हाथ से जा रहा था। तो यहाँ पे मैंने अपनी बेडशीट भी झाड़ ली है, अच्छे से झाड़ के मतलब बिल्कुल दोबारा से बिछा दी है, तो उसके बाद मैं इसको चारों तरफ से दबा देती हूँ। और अभी भी मैंने वुलन वाली चादर अपनी नहीं ली है क्योंकि मुझे जिससे मैं लेती हूँ वो भैया अभी मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो बस इसीलिए नहीं ली है। बाकी अब इन वाली चादरों पे बिल्कुल ठंडक महसूस होती है, जो वुलन वाली बेडशीट रहती है उन पर बिल्कुल बहुत ही अच्छा लगता है, बिल्कुल जल्दी से गर्म हो जाते हैं उनमें। तो बेडशीट मेरी अच्छे से क्लीन हो गई है, उसके बाद थोड़े से मैं रक्षित के कपड़े निकाल रही हूँ और थोड़े से कपड़े उसके ऑर्गेनाइज कर रही हूँ क्योंकि इन दिनों में मतलब कई जनों के लगे तो थोड़ी अलमारी से उबड़ खाबड़ हो रही है। तो ये देखिए रक्षित के पापा आ गए हैं, इनके उस वाले कंधे में थोड़ा सा फ्रैक्चर हो गया है, तो बस यही। और उसके बाद मैं गई हूँ आज रक्षित को स्कूल छोड़ने के लिए, ये यहाँ पे बोल रहा है कि मुझे नहीं जाना मुझे नहीं जाना, पता नहीं क्यों ये कल से ऐसा कर रहा है कि मुझे स्कूल नहीं जाना। तो देखिए थोड़ा सा रोने जैसा हो रहा है यहाँ पे हल्का सा, तो मैंने इसको बिस्किट दिया है बैग से निकाल के और मैं उसको स्कूल छोड़ के आ गई हूँ। फ्रेंड्स अब फिर दोबारा मैं कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी और अपनी चाय की तैयारी क्योंकि सुबह से काफी लंबा शेड्यूल हो गया था, पूरा घर को मतलब सेट किया अपना। तो दूध आज हमारा घर से आया नहीं था क्योंकि सारे बर्तन हमारे यहीं पे इकट्ठे हो गए थे, दूध वाले बहुत ही ज्यादा हो गए थे, कम से कम 4-5 थैले भर गए थे बोतल के दूध के डोली के, तो इसीलिए माँ जी ने अब आज दूध नहीं भिजवाया। तो मैं थैली ले आई थी, 3 लेके आई हूँ, अगर जरूरत पड़ेगी तो और ले आऊंगी बाद में, तो बस मैं 3 ही लाई हूँ थैली। तो चाय का मैंने एक मग्गे में निकाल दिया है क्योंकि चाय सिर्फ मैं ही पीती हूँ, रक्षित के पापा कभी कभी पीते हैं, तो एक साइड दूध गर्म हो रहा है एक साइड चाय गर्म हो रही है। और तो मैंने यहाँ पे एक अपना पराठा सेक लिया है, रात की रोटी बची थी, मैक्सिमम मुझे लगता है हर घर में रात की रोटी जो बच जाती है उसके पराठे बना के खाए जाते होंगे हर जगह पे, ऐसा मुझे लगता है क्योंकि मैं काफी खाती हूँ, मतलब ज्यादा नहीं सिर्फ एक खाती हूँ। और यहाँ पे मैं रक्षित के पापा के टोस्ट सेक रही हूँ, सैंडविच नहीं बना रही हूँ, इसमें मैंने सिर्फ बिना घी के टोस्ट सेके हैं, तो इसको अब मैं पोंछ के रख देती हूँ। और यहाँ पे हमारा चाय नाश्ता भी हो गया है और ये उसके बाद की क्लिप है फ्रेंड्स, तो मैं इसको रख दूंगी और उसके बाद में बनाने वाली हूँ आलू मटर की सब्जी। तो दूध मेरा यहाँ पे गर्म हो चुका था, मैं कई देर तक पकाती हूँ दूध को जैसे कि आप लोगों को पता है, और थैली वाले दूध को तो शायद और भी ज़्यादा ज़रूरत रहती है थोड़ा सा पकाने की क्योंकि काफ़ी वो हो जाता है। तो यहाँ पे मुझे थोड़ी सी खांसी हो रही है, मतलब कुछ सीजन के हिसाब से कह लो और कुछ शादी का खाना खा लिया उस हिसाब से कह लो। तो ये लड्डू रखे हुए हैं हमारे लिए, मैंने माँ जी के लिए गांव में भिजवा दिए हैं थोड़े बहुत जो भी मेरे को मतलब भाई कमी भिजवाए थे क्योंकि एक डोले में उतने ही आए थे, बाकी मैं बाद में भिजवा दूंगी। और उसके बाद मैं लग गई थी अपनी गैस को क्लीन करने के लिए अच्छे से,
और थोड़ी सी टाइलें भी ऊपर से क्लीन करूंगी क्योंकि काफी दिनों से क्लीन नहीं हुई है। तो देखिए मैं एक साथ अपने कितने सारे काम निपटा लेती हूँ। अभी यहाँ पे जैसे मैंने सब्जी बनानी है, चाय नाश्ता हो गया है, उसके बाद मैं अपनी गैस साफ कर लूंगी, फिर उसके बाद मैं अपना सब्जी चढ़ा दूंगी, साइड में मेरे कपड़े चल रहे हैं उनको भी संभालूंगी और साइड बाय साइड में आटा भी लगा के रखूंगी। तो कितने सारे काम एक साथ हैंडल होते हैं और जब तक रक्षित आएगा मेरा मैक्सिमम काम हो जाएगा। अगर रहेगा तो सिर्फ पोछा लगाने का रहेगा, वो मैं बाद में भी लगा लूंगी। और तो ये था कि भाई ठीक है अपना आलू मैंने छील लिए हैं, मटर मैंने पहले से ही छील रखी थी, यहाँ पे मुझे मटर थोड़ी ज्यादा लग रही थी तो मैंने थोड़ी सी निकाल दी है। कभी कभार जैसे चावल बनाने पड़ जाए कल या परसों में, तो ये है कि अपना मटर डाल के काफी अच्छे लगते हैं। तो यही रीजन था कि मैंने मटर मतलब बाहर थोड़े से निकाल दिए हैं। और उसके बाद मैंने टमाटर, मिर्ची, लहसुन, प्याज ये सब मेरा कट चुका है और अब करती हूँ मैं तड़के की तैयारी। तो बस यही था। तो गैस भी मेरी साफ हो गई है। अब ये है कि खाना बनाने के बाद इतना कुछ ज्यादा साफ नहीं करना पड़ेगा, ये है कि भाई हल्का हल्का गीला कपड़ा लगा के गैस साफ हो जाएगी। अदरवाइज तो फिर ये रहता है कि भाई मांजो धो, एक बार तो देखो दिन में गैस को मांज के और अच्छे से साफ करना ही पड़ता है। तो यही था। और उसके बाद मैंने तड़का भी मेरा हो गया है, टमाटर डाल दूंगी और इस आज मैं इसको लिक्विड शेप में बनाने वाली हूँ आलू मटर की सब्जी को। एक सूखी भी अच्छी लगती है और लिक्विड शेप में भी काफी अच्छी लगती है। आप लोग बताइएगा कैसे पसंद करते हैं आप लोग। तो ये जो मेरी टमाटर थी और मिर्ची था उनको मैंने रख दिया है फ्रिज में और उसके बाद में निकालने लगी थी अपने कपड़े मशीन में से, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने मशीन लगा रखी थी। तो बस एक एक काम छूटता नहीं है, दूसरा हाजिर हो जाता है, दूसरा छूटता नहीं है, तीसरा हाजिर हो जाता है। बस यही सुबह का शेड्यूल जो होता है हमारा इतना अस्त व्यस्त होता है कि बस बहुत ही मुश्किल हो जाता है सारे कामों को एक वुमेन के लिए करना मतलब, और काफी टाइम भी लग जाता है। तो यही था। उसके बाद मैं मेरे साइड बाय साइड चल रहे हैं प्याज टमाटर मतलब उनको थोड़ा सा गला रही हूँ मैं। तो बस ये था कि मैं तब तक अपना आटा लगा लेती हूँ और उसको चलाती भी रहूंगी बीच बीच में, उसके बाद मैं अपना ये डाल दूंगी आलू और मटर, तो सब्जी मेरी बनती रहेगी। उसके बाद मैं अपना बाकी का काम निपटा लूंगी। और मशीन के मेरे ज्यादा कपड़े नहीं थे, कम ही थे, पर ये था कि लगा लेती हूँ वरना फिर ज्यादा हो जाएंगे, तो इसी वजह से मैंने अपने सारे कपड़े जो थे मतलब धो लिए हैं। तो जी यही, तो जी सब्जी में मैं मेरी हो गई है, ये प्याज टमाटर मेरे भुन गए थे, फिर मैंने इसमें डाल दिए हैं आलू मटर और तो बस यही। और फिर आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं डेली डेली यही सब दिखाती रहती हूँ, बस मैं अपनी जो मेरी लाइफ है किस तरीके से मैं अपनी लाइफ जी रही हूँ या फिर किस तरीके से मैं अपना जो डेली वेज का काम है वो व्लॉग है मेरे, मैं उनको शेयर करना चाह रही हूँ आप लोगों से कि एक हाउसवाइफ की लाइफ कैसी होती है और वो किस प्रकार से अपनी लाइफ को थोड़ा इंटरटेनिंग या फिर अपने आप में अस्त व्यस्त कर सकती है। अगर हम यही है कि भाई नॉर्मल झाड़ू पोछा करते हैं तो काफ़ी सारा टाइम हो जाता है और फिर थोड़ा सा मन अपसेट हो जाता है अकेले पड़े पड़े। अगर हम खुद को अपने कामों में मतलब व्यस्त रखेंगे तो हमारा दिमाग भी इधर नहीं जाएगा और तो ये रहेगा कि भाई अपना, और फिर ये एक दूसरी बात ये भी हो जाती है कि जितना घर को हम क्लीन रखते हैं उतनी ज्यादा पॉजिटिविटी आती है और उतना ज्यादा अपना मन खुद का लगता है। तो यहाँ पे मैंने अपना बोर्ड भी साफ कर लिया था, मशीन मेरी निकल चुकी है, कपड़े मेरे धुल चुके हैं जैसे कि मैंने बताया ज्यादा नहीं थे, तो बस वही मशीन को भी मैंने पोंछ के रख दिया है। और ये स्वेटर है रक्षित की, उसने कल ही पहनी थी तो मैंने इसको ऐसे ही रख दिया, उसको मैं आज भी पहनाने वाली हूँ क्योंकि रात को जो है ना काफी ठंड हो जाती है, तो मैं उसको ये हाफ वाली भी पहना देती हूँ ताकि वो बचा रहे। तो मैट मैंने दो बार डाल दिया है, एक ये वाला था, ये मैंने रक्षित की साइकिल पे रख दिया क्योंकि ये मैं बाथरूम के आगे रखती हूँ, पानी निकला उस पर मैंने पोछा लगा दिया है। तो फ्रेंड्स आज का व्लॉग यहीं पे एंड करने जा रही हूँ मैं, बने रहिएगा व्लॉग में, कल मिलते हैं एक नए कंटेंट के साथ।